नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ ऋचा सिंह। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मंगलवार को अयोध्या मार्ग स्थित परिजात अपार्टमेंट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के साथ एलडीए के तमाम अभियंता तथा कार्यदायी संस्था के कर्मचारी मौजूद रहे। परिजात अपार्टमेंट के आवंटियों के साथ आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों ने अपार्टमेंट की समस्याएं गिनाई। अपार्टमेंट के निवासी समर विजय सिंह ने प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से परिसर में फाइनल, पुताई, अन्य विकास द्वार, पानी की टंकी से रिसाव, कूड़ा निस्तारण जैसी कई समस्याओं से अवगत कराया। वहीं एक और परिसर में अधूरे कार्य पड़े होने के कारण आरडब्ल्यूए ने पुरजोर तरीके से काम पूर्ण होने के बाद हैंडओवर लेने की बात को कहा। निरीक्षण के दौरान लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए आवंटियों से जल्द ही समस्या का हल निकालने के लिए कहा। अपार्टमेंट है और यहां पर अभी उपाध्यक्ष आए थे, क्या चीजें देखी उन्होंने और क्या निर्देश जारी किए? ये लखनऊ विकास प्राधिकरण का 2012 की परियोजना है जिसका नाम है परिजात हाउसिंग, जो परिजात अपार्टमेंट नाम उससे जाना जाता है। इसमें उपाध्यक्ष महोदय का आज ही पहला निरीक्षण था और उन्होंने यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं थी, पुताई, सफाई, गेट और कुछ ऐसे कार्य थे जो पुरानी कार्यदायी संस्था जो पलायन कर गई उसके बचे हुए कार्य थे, तो उनको शीर्ष प्राथमिकता पे पूर्ण कराने के लिए उन्होंने संबंधित अपने अभियंताओं को कहा है। और हम सब लोगों ने इन सब बातों को प्रमुखता से रखा और हमारे यहाँ के तमाम वरिष्ठ नागरिकों ने इस बात को पहले भी उनको दे रखा है और शायद उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि जल्दी आप लोग जो भी इसके और कार्य हैं पूर्ण हैं उनको मैं कराता हूं और आप लोग हैंड ओवर कीजिए। इस पर एक बात हमारी तरफ से उठाई गई है, एक माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका है जो पूर्णता प्रमाण पत्र को लेके है, जिसमें एक विसंगति है। वो ये है कि 2020 में जो सीसी जारी की गई है उसमें उस समय इनके पास फायर एनओसी नहीं थी और फायर एनओसी उस पीआईएल के बाद, तो नियमतः इनको एक संशोधित सीसी जारी करना चाहिए और जिससे एक ये निर्धारित होता है कि बिल्डिंग की पूर्णता अब हुई है और उसके तमाम अपूर्ण कार्य जो इनकी निविदाएं प्रचलित हैं इनको पूर्ण कराने के बाद संबंधित सेवा प्रदाताओं को भी जो है कार्यदायी संस्थाओं को भी इनकी तरफ से पूर्णता प्रमाण दिया जाना चाहिए, तब ये बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूर्ण माना जाता है। मुख्य समस्याएँ यहाँ की पुताई, एक आपात द्वार, सफाई, ग्राउटिंग, कूड़ा निस्तारण, इसके अलावा तमाम छोटे छोटे ऐसे कार्य हैं, लेकिन जो बड़े कार्य हैं वो ये हैं जिनको उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो शीर्ष प्राथमिकता पर रखे। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता रितेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।